हेलो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक किसान है जो कि 600 से 650 क्विंटल गन्ने का उत्पादन निकाल रहा है, और वहीं किसान भाइयों जो बगल का किसान है वो तकरीबन 300 से 350 क्विंटल जो है गन्ने का उत्पादन खाली ले पा रहा है। जबकि किसान भाइयों जो मिट्टी का प्रकार है और मौसम है यानी क्लाइमेट कंडीशन सब किसान भाइयों सब कुछ जो है समान है, तब भी किसान भाइयों क्या ऐसा फ़र्क रह जाता है जो कि एक किसान जो बगल का ही है वो 600 से 650 क्विंटल गन्ने का उत्पादन ले रहा है और वहीं किसान भाइयों जो है दूसरे किसान का जो उत्पादन है वो 300 क्विंटल तक ही एकड़ में रह जाता है। तो किसान भाइयों क्या वो अलग करते हैं, इसके बारे में जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसान भाइयों कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि किसान भाइयों अधिक उत्पादन के लिए ज़रूरी होते हैं। ऐसे किसान भाइयों जो है मैं आपको 4 से 5 कार्य बताऊंगा जो कि किसान भाइयों आपको जो है फ़र्क डालते हैं, जो कि किसान अधिक गन्ना उत्पादन वाले जो किसान भाई हैं वो करते हैं और जो कम गन्ना उत्पादक वाले का किसान है वो नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों इसमें जो पहला किसान में फ़र्क रहता है वो रहता है किसान भाइयों ऑर्गेनिक कार्बन का। किसान भाइयों जो गन्ना का उत्पादन अधिक लेते हैं उनकी ज़मीनों में किसान भाइयों जो प्रायः जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होती है वो अधिक होती है। अब ये बात आती है कि ऑर्गेनिक कार्बन है क्या। किसान भाइयों ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो किसान भाइयों आपकी मिट्टी में जो भी किसान भाइयों जो जीवांश मटेरियल होता है यानी किसान भाइयों जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके लिए किसान भाइयों ये भोजन होता है, यानी किसान भाइयों आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर किसान भाइयों आप हरी खाद देते हैं या वर्मी कंपोस्ट देते हैं वो किसान भाइयों बाद में सड़ गल के जो है जीवांश पदार्थ के रूप में किसान भाइयों आपके जो है ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में किसान भाइयों आपकी मिट्टी में वो किसान रहती है, जिससे किसान भाइयों आपकी जो मिट्टी है वो लगातार किसान भाइयों भुरभुरी रहती है। इसके साथ साथ उसका किसान वायु संचार अच्छा रहता है। इसके सिवा किसान भाइयों उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी किसान बढ़ती है, यानी कि आपकी मिट्टी किसान भाइयों जो है स्वस्थ रहती है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों वो ऐसे किसान भाइयों तत्व देती है जो कि आपके पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे कि किसान भाइयों आप अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो किसान भाई उसमें आपको जो है थोड़ी मात्रा में आपको नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है और किसान पोटाश भी मिल जाता है। इसके सिवा किसान भाइयों आपको जो है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते हैं, यानी किसान कंप्लीट एक पैकेज रहता है जो कि किसान भाइयों प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही किसान में आवश्यक रहता है। और वहीं किसान भाइयों जो कम उत्पादन गन्ने का लेते हैं उनके किसान भाइयों ज़मीनों में जो है ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप हर साल गोबर की खाद डाल देंगे और अच्छी खासी मात्रा में डालेंगे तो आपके गन्ने में किसान भाइयों आपको किसी भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसान भाइयों कोई एक्स्ट्रा खाद डालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप गन्ना जो है छुवास से किसान बहुत ही अच्छी मोटाई लंबाई जो है किसान लेके चलता है। तो किसान भाइयों पहला फर्क तो ये रहता है कि जो गन्ने का अधिक उत्पादन लेते हैं तकरीबन 600 क्विंटल तक 650 क्विंटल तक निकालते हैं वो किसान हर साल जो है गोबर की सड़ी खाद को अपने खेतों में डालते हैं, ना अगर आप गोबर की सड़ी खाद डाल पाएँ तो कुछ समय आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें, ना कि समय आप वर्मी कंपोस्ट डाल पाएँ तो तकरीबन किसान भाइयों आप जो है हर साल जो है आप अपने फसल चक्र में जो हरी खाद है किसान भाइयों उसको आप अवश्य लें, यानी कि समय कम से कम एक खाद तो आप जो है ऑर्गेनिक अवश्य डालें, चाहे वो किसान आप गोबर की खाद को खाली ही डाल दें। इसके बारे में किसान भाई जो दूसरा फर्क होता है वो किसान भाइयों होता है आपका घास का, क्योंकि किसान भाइयों जो हमारे गन्ने के कम किसान भाइयों उत्पादन ले पाते हैं किसान उनके खेतों में अक्सर आपको घास अधिक देखने को मिलेगी, जिससे किसान होता क्या है कि उनका जो गन्ना है किसान में शुरुआत से ही घास के नीचे दब जाता है, उसकी किसान भाइयों आपको टिलरिंग भी कम देखने को मिलेगी, गन्ने की लंबाई भी कम देखने को मिलेगी, मोटाई भी कम देखने को मिलेगी, जिससे किसान भाइयों आप उसमें चाहे जितनी भी खाद डाल दें जितनी भी टॉनिक डाल दें उसकी किसान में ग्रोथ नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों आपको जो है अच्छे से अपने गन्ने की जो है निराई गुड़ाई अच्छे से करानी है जिससे कि घास किसान भाइयों उसमें ना पनपे। वहीं किसान जब आप किसी अच्छे किसान का खेत देखते हैं जो कि हर साल 600 क्विंटल गन्ना निकालता है तो उसके खेत में आप देखने को पाएंगे कि उसकी प्रॉपर किसान भाइयों उसकी निराई गुड़ाई होती है, समय से होती है, जिससे किसान भाई उसका खेत जो है लगातार भुरभुरा बना रहता है, जिससे किसान भाई जो उत्पादन है आपका टिलरिंग भी अच्छी आती है, गन्ने की मोटाई लंबाई बढ़ती है। तो किसान ये तो एक तरीका रहता है कि आप जो अधिक गन्ना निकालते हैं वो किसान गन्ने में जो है निराई गुड़ाई पर जो है विशेष ध्यान रखते हैं।
इसके बारे में जो तीसरा फर्क रहता है किसान भाइयों, तीसरा फर्क यह रहता है कि जो अच्छा गन्ने का उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों, वो जो फसल चक्र है उसको अपनाते हैं, यानी कि किसान भाइयों क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं। अगर किसान भाइयों आप जो है फसल चक्र अच्छा अपनाएंगे तो निश्चित है किसान भाइयों आपकी जो गन्ने में जो है कीड़ों का आक्रमण भी कम होगा, रोगों का आक्रमण भी कम होगा, जिससे किसान भाइयों आपकी लागत भी कम होती है और आपका गन्ने की किसान जो ग्रोथ है यानी मोटाई लंबाई है वो भी बढ़ती है। कुल मिला के किसान भाइयों आपको जो है आपने गन्ने में जो है क्रॉप रोटेशन को यानी कि फसल चक्र को अच्छे से अपनाना है, जिससे कि आपका किसान भाइयों उत्पादन बढ़ता है। इसके बारे में किसान भाइयों जो चौथा फर्क यह रहता है कि किसान भाइयों जो आपको जो भी खाद डालनी है या जो भी किसान भाइयों आपको पेस्टिसाइड डालने हैं वो किसान भाइयों आपको समय से डालने हैं। जो गन्ने के किसान अधिक उत्पादन लेते हैं वो किसान भाई अक्सर जो है रोग आने से पहले ही या फिर किसान अगर हल्की रोग की स्टार्ट हो चुका है उस समय ही किसान भाइयों जो है सही दवा को डाल देते हैं, जिससे कि किसान भाइयों उस रोग का आक्रमण नहीं हो पाता है या होता भी है तो बहुत ही कम किसान भाइयों होता है। वहीं किसान भाई जो कि रोग लगने के बाद में दवा को डालते हैं या फिर किसान भाइयों डालते ही नहीं है तो किसान उनका जो उत्पादन है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों जब आपके गन्ने में कोई रोग लगेगा या किसान भाइयों को कीट लगेगा तो सीधा है कि आपकी जो गन्ने का उत्पादन है किसान भाइयों वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों आपको समय से जो है रोग की पहचान करके कीट की पहचान करके जो है आपको सही किसान में कीटनाशक की आपको या किसान में सही आपको फंगिसाइड की आपको जो है स्प्रे सही समय पे आपको सही मात्रा में करनी होती है। इसके बारे में किसान भाइयों जो अगला फर्क रहता है यानी कि जो पांचवा फर्क रहता है वो यह रहता है कि जो गन्ने का उत्पादन अधिक लेते हैं वो किसान करते हैं क्या है कि अपने खेतों में हर एक साल बाद में या दो साल के बाद में जो है किसान भाइयों पलटा अवश्य लगाते हैं, यानी कि किसान मिट्टी पलटने वाले हल से अपने खेतों की जुताई अवश्य करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, जिससे किसान होता क्या है जो नीचे वाली मिट्टी होती है वो ऊपर आती है और ऊपर वाली नीचे जाती है। जब किसान भाइयों नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी तो किसान नीचे की मिट्टी में जो भी फंगस है या फिर समयों कीट हैं या कीटों के समयों अंडे हैं वो समय ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि समय होता क्या है कि तेज धूप पड़ने के कारण वो समयों जो है मर जाते हैं या कि समय निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कि समयों आपकी जो है फसल उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ साथ किसान जब आप मिट्टी पलटेंगे तो किसान जब आप गहरी जुताई करेंगे तो नीचे की जो किसान हार्ड पेन होती है वो किसान में ब्रेक हो जाती है यानी कि टूट जाती है, जिससे किसान में जड़ों का विकास भी अच्छा होता है और किसान भाइयों जो आपका हैवी जो किसान साल्ट होते हैं उनका किसान लीच डाउन जो है वो भी बहुत ही अच्छे से होता है ज़मीन में, यानी कि किसान कुल मिला के आपका किसान जो उत्पादन है उस पर बहुत ही अच्छा जो असर है और किसान भाइयों जो छोड़ती है। तो किसान जो अच्छे किसान हैं वो हर साल या एक साल बाद या दो साल बाद जो है अपने खेतों की गहरी जुताई जो है अवश्य करते हैं। वहीं किसान भाइयों जिनका उत्पादन कम रहता है वो किसान भाइयों या तो कभी पलटा लगाते नहीं हैं, या लगाते हैं तो किसान बहुत ही समय बाद लगाते हैं, जिससे किसान भाइयों उनको जो है अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो ये कुछ किसान फर्क हैं जो कि आपके गन्ना उत्पादन को अगर आप इनको किसान भाइयों फॉलो करेंगे तो निश्चित है आपका उत्पादन किसान भाइयों बढ़ेगा। तो ये थी कुछ जानकारी, अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।